नमस्कार आदाब, मैं अभिनव शेखर, स्वागत है आपका जनबोल न्यूज के कार्यक्रम हेडलाइन में। आइए डालें प्रमुख खबरों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कश्मीर अभी संवेदनशील, सरकार को समय देना चाहिए पाबंदी हटाने पर। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सड़क पर नमाज पढ़ने पर लगा प्रतिबंध। चांदी ने तोड़ा अपना पुराना सारा रिकॉर्ड, 45,000 रुपए केजी पहुंचा चांदी। रिटायर्ड आईपीएस वे उसके परिवार पर हमला, पटना के बाईपास पर। 18 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार बाढ़ और सुखाड़ की समीक्षा करेंगे, उसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। अमेरिका में भारतीय राजदूत हर्षवर्धन ने कहा, अमेरिका की कश्मीर पर दर्शकों पुरानी नीति, वह मध्यस्थता नहीं करेगा। 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, संजय सिंह बने पटना के नए आईजी। सीएम नीतीश कुमार ने नई बालू खनन नीति पर मुहर लगाई है, एक व्यक्ति को अब मिल सकेगा केवल 2 घाटों का ठेका। धन्यवाद, आज के हेडलाइन पटना में इतना ही, आगे जुड़े रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए जनबोल न्यूज के साथ।